तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आ चुके हैं एपिसोड नंबर 16 को लेकर। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते। स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। कुछ भी स्पेशल नहीं मांग रहा, बस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो ताकि नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी परेशानी के पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि इसका नेक्स्ट एपिसोड आ चुका है। तो मैं जल्द से जल्द ट्राई करूंगा इसको नेक्स्ट एपिसोड और भी जल्द से जल्द डालने के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्टिंग नाउ। एपिसोड की स्टार्टिंग आपके घर से होती है, यहाँ पर वो शॉपिंग करके वापस घर पहुँच चुका है और शॉपिंग करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। और कहने लगता है, मैं वाकई में शॉपिंग करके बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, ये वाकई में बहुत ज़्यादा सर दर्द वाला काम है शॉपिंग करना भी। इस बात से तो मैं भी एग्री हूँ, इतनी ज़्यादा शॉपिंग तो मुझसे भी ना होती। तभी वो घर आती हुए कहने लगता है, लेकिन फिर भी ये मैं वाकई में खुद किस्मत हूँ कि मेरी उस वियर्ड वार्डरोब से मेरा छुटकारा हुआ, जो कि इसका पीछा करने में लगा हुआ था काफ़ी समय से और घूरने में लगा हुआ था। हाँ, को ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन सच है ये बात। तभी अचानक से उसको लॉन्ग का कुछ मैसेज का कॉल आता है, इसको देख कर वह सरप्राइज होता है और हाँ कहने लगता है उसे, हे ब्रदर लॉन्ग, क्या तुम अभी तक घर के लिए गए नहीं हो? आखिरकार मुझे कॉल क्यों कर रहे हो इतने जल्दी? अभी तुम यहाँ से निकले थे और हम अभी तो मिले थे, फिर क्यों कॉल कर रहे हो? तभी जो लॉन्ग होता है वो हाव को कॉल मतलब उठाता है, हाव उसका कॉल उठाता है तो वो चिल्लाते हुए लॉन्ग उससे कहने लगता है, हे हाव हाव, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा मशहूर हो चुके हो। वो भी रेड वन मतलब कहने का तरीका है उनके चाइनीज भाषा में, तो ट्रांसलेटर ने उस हिसाब से किया है अलर्ट करने के लिए, मशहूर होने के लिए कहते हैं ना, तो बिल्कुल हॉट टॉपिक पे रहते हैं, उसे हॉट टॉपिक को रेड वन कर दिया है, हॉट को उल्टा कर मतलब दूसरे भाषा में कर दिया है, जो भी भाषा लैंग्वेज उन्होंने रेड कर दिया है बस, तो हॉट टॉपिक है इसका मतलब, समझ गए? ये सुनने के बाद हाउ एकदम से कंफ्यूज होता है और पूछने लगता है, आखिरकार किस बारे में बात कर रहे हो, कौन हॉट टॉपिक पर है यहाँ पर? तभी हमें लॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि हाउ से कॉल पर कह रहा होता है, जो तुम्हारे कैफे पर जो नाश्ता कर रहे थे वहाँ पर किसी ने तुम्हारी फोटो लेकर इंटरनेट पर डाल दी है, जिसके कारण तुम्हारी फोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी है और तुम काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुके हो और काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा इसको रिपोस्ट किया जा रहा है। तुम बस एक बार अपना वी ब्लॉग को ओपन करके देखो और तुम्हें पता चल जाएगा तुम इस वक्त टॉप 5th सर्च पर आ रहे हो। और तभी जो छोटी लिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और कह रही होती है, मैं इस वक्त वाकई में बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी अपने ब्रदर हाओ की फ़ोटो को पोस्ट नहीं करती इंटरनेट पर। आखिर किया धरा तो तेरा ही है, इतनी छोटी है बट मन की खोटी है। और वो गुस्सा कहते हुए कह रही होती मन में सोचते हुए कि जो मेरे ब्रदर हाओ है वो मुझे ब्लेम करते हैं और किसी को नहीं, और वहीं पर कभी गुस्सा हो रही होती है। तब ये सुनने के बाद हाओ टोटली सरप्राइज होता है और कहने लगता है, आखिरकार मेरी फोटो ऑनलाइन पर क्या कर रही है और कैसे? और तभी वो ऑनलाइन पर हॉट सर्च को टाइप करता है और जैसे ही देखता है ना तो कभी बवाल मच जाता है, यहाँ पर लोग कमेंट किए जा रहे होते हैं, जरा इसको देख तो सही, इसे तो ईयर ऑफ द अवार्ड मिलना चाहिए इसकी ब्यूटी के लिए, ये बंदा तो वाकई में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं इसने इस बंदे ने अकेले ही उनको हरा दिया। तभी एक बंदी फोटो मतलब तो मैसेज करते हुए उससे कहने लगती, मैं तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि ये एमेच्योर बंदा इतना ज़्यादा औसम निकलेगा और वो भी नंबर 4 पर पहुंच जाएगा हॉट सर्च में। काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ तो मरी जा रही हैं ये देखने के बाद तो, कि जो हाव है वाकई में नंबर 4 पर आ चुका है हॉट सर्च में पूरी की पूरी में। तभी एक लड़की कमेंट करते कहने लगती है, इस लिटिल हैंडसम ब्रदर को तो देखो, ये तो अभी तक एडल्ट भी नहीं दिख रहा और ये इतना ज़्यादा हैंडसम है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जल्द से जल्द पहुँचे। तभी एक लड़की कमेंट करते हुए कहने लगती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि पूरे की पूरी इंटरनेट पर सिर्फ एक ही फोटो है, अगर कोई बंदा मतलब कोई भी इंसान इसकी फ़ोटो खींच कर मुझे देता है तो मैं उसे पैसे पे कर दूँगी। भाई कदम ज़्यादा ही मशहूर नहीं हो गया लड्डा, कदम जलाने में लगा हमारे व्यूअर्स को तो। और जैसे ही हाउ ये सब देखता है तो उसका मुंह फटाका फटा रह जाता है और कहने लगता है, अबे तेरी ये क्या हो रखा है यहाँ पर? और तभी अपने आप को शांत करता है और बोल लगता है, मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए इस तरीके से, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा सीरियस बात है और मैं इतना ज़्यादा मशहूर कैसे हो गया, क्या मैं सच में इतना हैंडसम हूँ? खैर इन सब का कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ दिनों बाद लोग भूल जाएंगे और जो भी हॉट सर्च का मैटर है सब कुछ भूल भाल जाएगा, कोई ध्यान भी नहीं देने वाला। खैर ये सब छोड़ो, मैं कुछ लाइव गेम्स स्ट्रीम देख लेता हूँ अपने फ्री टाइम में और रिलैक्स कर लेता हूँ अपने आप को। और तभी जैसे ही लाइव स्ट्रीम खोलता है तो वहाँ पर लड़कियों की जो बाहर में काम करती हैं उनकी फ़ोटो आ जाते हैं, ये लड़के हैं शायद, लड़के नहीं है, लड़कियाँ नहीं है, सॉरी गाइस लड़के हैं ये, कहीं सीन की जितने सी मार रखी है, दिमाग हिला दिया हमारा। और ये देखने के बाद हाव का भी दिमाग हिल जाता है हमारी तरह, बिल्कुल सोच मिलती जुलती जो है हमारी दुनिया से जो रिलेटेड है। और ये देखने के बाद कहने लगता है, मैं तो चला भाई मुझे नहीं देखना। और तभी इसमें पबजी का कुछ दिखाया जाता है, पबजी की स्क्रीन दिखाई दे रही है और वो कहने लगता है, चलो किस्मत से कम से कम ये गेम का एरिया तो नॉर्मल है यहाँ पर, और इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया का जो गेम है वो हमारे रियल वर्ल्ड से बिल्कुल भी बदला नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए इसे खेलने में, मुझे तो यही लगता है। और इस बात को अगर सोचा जाए तो आखिरकार मैं कितना बड़ा हूँ और मेरी उम्र क्या है, क्या मैं जो माइनर्स है वो लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं?
और मेरी जो टेक्नोलॉजी है और जो मेरी टेक्निक है गेम खेलने की, उसके इस्तेमाल कर क्या मैं टॉप पर आ सकता हूँ, लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ। तभी यह सब सोच ही रहा होता है तभी सिस्टर क्वीन वहाँ से वापस आ जाती है और उसे कहने लगती है हाउ से, हाँ हाउ तुम्हारी सिस्टर क्वीन वापस आ चुकी है। हाउ ये सुनने के बाद कतई सरप्राइज होता है। और तभी सिस्टर क्वीन हाउ से कहने लगती है तुम्हारी जो सिस्टर थी वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में पूरे के पूरे दिन रही थी और मेरे को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जो हमारा हाव हाव है वो इंटरनेट पर सेलिब्रिटीज बन जाएगा। और तभी वो खड़ी हो जाती है, भाई कैमरा एंगल कहाँ ले जा रहा है, अबे राइटर देख तो लिया कर कैमरा एंगल कहाँ जा रहा है, अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो गई ना तो सब दिख जाएगा, समझे कि नहीं समझे। और तभी हाव घबराते हुए उससे कहने लगता है सिस्टर क्वीन क्वीन तुम्हें भी इसके बारे में पता चल गया। तभी सिस्टर क्वीन उससे सीरियस होकर उससे पूछने लगती है हाव क्या तुम आज लॉन्ग के साथ शॉपिंग करने के लिए बाहर घूमने के लिए गए थे क्या। तभी इसका ऐसा चेहरा देखने के बाद हाव मन में सोचते कहने लगता है ये इसको देखकर हमारी सिस्टर क्वीन को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये काफी ज्यादा गुस्सा है। और तभी बोल देता हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा, लॉन्ग लॉन्ग ने कहा था कि वो कुछ कपड़े खरीदना चाहता था नए कपड़े, तो उसके साथ मैं भी कुछ खरीदने के लिए चला गया था एक साथ मिलकर। तभी इसकी जो सिस्टर क्वीन होती है उसकी ठड़क जाग उठती है, अब पता नहीं ठड़क है ये क्या है, लेकिन अचानक से उसके ऊपर चढ़ बैठती है। भाई इंसान क्या सोचेंगे हमारे व्यूअर्स, अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया हिल जाएगी। और उसके ऊपर चढ़ते हुए सीरियस फेस बनाते हुए उससे कहने लगती है क्या तुम्हें किसी अजनबी या वियर्ड लोगों ने परेशान तो नहीं किया, हरास तो नहीं किया। और तभी हाव भी सीरियस हो जाता है, उसके पसीने छूट जाते, डर के मारे ऐसा एक्सप्रेशन, भाई इतना सब होगा तो बहुत कुछ हो जाता है। तभी वो मना करने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सिस्टर क्वीन क्वीन, तो तुम्हें घबराने जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तभी उसकी सिस्टर क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाती है उससे कहने लगती है हे हाव अभी तुम बहुत ज्यादा मासूम हो और बहुत ज्यादा सिंपल हो, इस दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जितना तुम सोचते हो उससे भी ज्यादा। बात तो माननी पड़ेगी, मैं भी एग्री हूँ इस बात से, तुम अकेले मेरे हमारे फादर के सबसे ज्यादा कीमती सन हो, मतलब बेटे हो अच्छे वाले, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी एल्डर सिस्टर तुम्हारे फादर को क्या एक्सप्लेन करूंगी और क्या मुंह दिखाऊंगी। अगर तुम्हें किसी अजनबी वूमन के द्वारा किसी और लड़की के द्वारा परेशान किया गया हो या हरास किया हो तो तुम डायरेक्टली मुझे बताओगे, और अगली बार तुम कहीं बाहर घूमने के लिए जाना चाहते हो तो तुम मुझे बताकर जाओगे, समझे। ये तो कतई दादागिरी हो गई। तभी हवा मान जाता और कहने लगता हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं क्यों नहीं। और तभी वो कुछ से कहने लगती हाँ एक और चीज, तभी अचानक से उसका मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है किसी चीज का और ये देखकर वो कतई सरप्राइज हो जाती है और भाई कतना डरावना चेहरा बना रही है और हवा को चैन मिलता है कम से कम ये हटी तो सही। और तभी अचानक से अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन देखता है ना कि उसका मोबाइल ऑन होता है तो उसकी जो फोटो होती है ना उसके वॉलपेपर पर वो हाव की लगी हुई होती है, और ये देखकर हाव भी कतई सरप्राइज होता है और कहने लगता है क्या ये फोटो मेरा कब लिया गया था बे। और इसी के साथ कतई छड़कपन हो गई, हद हो गई क्रॉस। इसी के साथ ये एपिसोड होता है समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइस जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा है बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा, बस यही रिक्वेस्ट है आप सभी से, कुछ खास वगैरह नहीं मांग रहे हैं, बस ऑल पर सेट कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, और लाइक और कमेंट तो जरूरी कर देना, कुछ पैसा वैसा नहीं लगने वाला है। चलिए तो आज के लिए इस एपिसोड को खत्म करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। बाय बाय गाइस, सी यू नारा सनिंग आउट।